आगामी चुनाव हलचल को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बार आने वाले चुनाव की रणनीति में कोई भी कमी या कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए अब कांग्रेस ब्लॉक स्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए पार्टी के प्रचार प्रसार की तैयारियों शुरू कर दी गई है। साथ ही अपनी 15 महीने की उपलब्धता और भाजपा शासन में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला करने की तैयारी में है। बुधवार को कांग्रेस के पन्ना प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी पन्ना पहुंचे और भाजपा सरकार को जमकर कोसा और 15 महीने चलने वाली कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बता दें, आगामी चुनाव और उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कमियां जनता को बता रही हैं। खैर, जनता किसकी बातों पर विश्वास जताती है यह तो चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। पन्ना में हमारी कांग्रेस पार्टी के संगठन को कैसे आगे हम लोगों को रणनीति तय करनी है, कांग्रेस परिवार संगठन की बैठक थी। सामान्य रूप से जो पन्ना जिले में 3 विधानसभा हैं, सारे ब्लॉक हैं, उसमें हम लोग कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, इसलिए मैं आया था। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे इसीलिए आए थे। कांग्रेस पहले से मजबूत है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में आपको कांग्रेस की सरकार मिलेगी। किस प्रकार से हमको भाजपा की जो नीतियाँ हैं उनसे लड़ाई करना है, किस प्रकार से जो आम जन परेशान है डीजल पेट्रोल की महंगाई से परेशान है, किसान के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, खाद उपलब्ध नहीं है, बिजली का बिल हजारों हजार में आ रहा है, जो कांग्रेस के टाइम पे 100 रुपये 100 यूनिट आता था, आज की डेट में 112 रुपये पेट्रोल है, सारी चीज़ें, इन सारे विषयों को कैसे आम जन तक पहुँचना है, कैसे इनकी जो संविधान को ख़त्म करने की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे इनसे लड़ाई लड़नी है, इस बात के हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए।